अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री पे, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कुछ बात कही, उसके अंदर कुछ ऐसे लाइन निकल के आ गए जिसपे काफी ज्यादा विवाद हुआ, और उस विवाद के पीछे कई कारण है। पॉलिटिकली देखा जा रहा है, स्टूडेंट्स के अंदर भी गुस्सा है। मैं इसको एज ए शिक्षक देख रहा हूं, और एज ए शिक्षक मैं आपको इसके पीछे क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या है, उस पर हम बात करेंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष या विपक्ष में ये वीडियो नहीं है, ये प्योर वीडियो एक तरह से आप कह सकते हो कि स्टडी या क्यों ऐसा हो सकता है इसकी संभावना पे हम बात करेंगे। एक्चुअल चीजों पे पहुंचना भी बहुत जरूरी होता है। होता यह है, ये एक शर्मनाक घटना थी, इसमें कोई भी दोराय नहीं है, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय था। बातें गलत नहीं थी, उस बात को कहने का तरीका और जो बॉडी लैंग्वेज था, जिस गंभीरता के साथ बॉडी लैंग्वेज जिसके साथ वो बोलना चाहिए वो नहीं बोला गया। देखिए होता क्या है, इसके पीछे कई कारण है। पहले एक काम करते हैं, हम लोग उस क्लिप को सुन लेते हैं। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सगिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। तो यही, अब पूरा सुनने की जरूरत तो है नहीं, आपने सुन रखा है ऑलरेडी। यही वो क्लिप है जिसको लेकर बहुत हंगामा हुआ, और होना भी चाहिए, होना जायज भी है। सवाल इसके पीछे ऐसा क्यों हुआ? देखिए हमारे समाज में जब भी कभी इन सब टॉपिक पे बात होती है तो हम बिल्कुल असहज हो जाते हैं, और हम उस असहजता में कुछ से कुछ बोलने लगते हैं। इसका कारण, इसके कारण को लेकर हमारे और आपके बीच में मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका जो मूल और बड़ा कारण है, इस तरह के संदर्भ में जो शब्दों का प्रयोग होता है, जो एग्जैक्ट एक्यूरेट शब्द है उनका जो प्रयोग होता है, उसके प्रयोग से हम बचते हैं, और खासकर हिंदी में उन शब्दों के प्रयोग से तो बिल्कुल ही भागना चाहते हैं। और इसमें होता यह है, जैसे नीतीश जी ने जो भी कहा उनको एक अलग शब्दों में कहा जा सकता है। नीतीश जी ने कहा, जब भी जो कहा उसको अलग शब्दों में एक बार सुन कह सकते हैं हम, उसके अंदर मैं बहुत ही गंभीरता के साथ और सहजता के साथ उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जो करना चाहिए था, जिससे बचने की कोशिश की गई। जब भी लड़का या लड़की शादी करते हैं तो उनके बीच में सेक्स या सहवास होता है, उनका उससे बच्चा पैदा होता है। लेकिन जब महिला शिक्षित हो जाएंगी तो सेक्स या सहवास के दौरान सावधानी बरतेंगी, लड़के का स्पर्म या वीर्य को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देगी, जिससे जनसंख्या नियंत्रण होगा। बस नीतीश जी यही कहना चाहते थे, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब थे वो इतना ही कहना चाहते थे, लेकिन इसके अंदर कुछ शब्द का प्रयोग हुआ, जैसे सेक्स को तो बर्दाश्त कर भी लेते हैं, सहवास बर्दाश्त नहीं होता, स्पर्म बर्दाश्त कर भी लेते हैं, वीर्य बर्दाश्त नहीं होता, जबकि मेडिकल टर्म है और ये यूज होता है, एक सामान्य सा शब्द है जैसे कोई और शब्द होता है, लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं करते। इसके कारण नीतीश जी ने क्या किया, नाउन की जगह बहुत सारे प्रोनाउंस का यूज कर दिया। ये पूरा जो इनका कहने का जो 4-5 लाइन में जो ये कह सकते थे, ये प्रोनाउन के कारण, असहज स्थिति के कारण ये लंबा खिंच गया और विवादों में फंस गया। नीतीश जी या हम लोग जिस सोसाइटी से आते हैं वहां पे ये बात करना बिल्कुल असहज करता है, और खासकर जिस पीढ़ी से वो हैं वहां ये बात पब्लिकली करने की तो बात दूर, सोचना भी बहुत मुश्किल है, और इनको तो ये बात कहनी थी, तो जो सोच भी नहीं सकते उसको कहना पड़ रहा है, तो असहज स्थिति तो उत्पन्न होगी, उसी के शिकार नीतीश जी हो गए। देखो लेकिन इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है कि वो इस स्टेट के मुखिया हैं, मुखिया होने के नाते कुछ बातों में एज ए चीफ मिनिस्टर एक गंभीर व्यक्तित्व की उम्मीद हम उनसे करते, ये इतना जब असहज है उनके लिए तो इसको सहजता के साथ, कम से कम गंभीरता के साथ, लाइंस भले ही वो होते हम मान लेते कि मजबूरी में उन्होंने इस लाइंस का यूज किया, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कम से कम एक गार्जियन वाला दिखता, जो दिखता हो नहीं प्रतीत, तो वो एक समस्या है। लेकिन फिर भी इस सबके बावजूद भी हमें इनके दोनों पक्ष पे बात करना होगा, एक तो इन्होंने जो कहा वो गलत है, और दूसरा ये जहां से आते हैं वहां इनके लिए ये बात कहना पब्लिकली इजी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा सिचुएशन समझने की आपने कोशिश की होगी, और बाद में तो उनको भी लगा कि उनसे गलती हो गई और उन्होंने माफी भी मांग लिया, तो
उम्मीद करते हैं कि जो चीजें हैं वो आपके लिए क्लियर हो गई।